नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज विजयदशमी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध कर बुराइयों पर अच्छाई की जीत कायम की थी और इसे एक दृष्टांत के रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया था और सिलसिलेवार ढंग से तब से अब तक इस दिन को हम एक पर्व दशहरे के रूप में पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। लेकिन इस बीच कुछ बातें ऐसी भी हैं जो रावण हमें जाने अनजाने एक सीख के रूप में छोड़कर गए हैं। आइए जानते हैं उन पांच प्रेरक बातों को जिन्हें सीखकर स्वयं की जिंदगी को बदला जा सकता है। पहला, ज्ञान और सामर्थ्य का अहंकार ना करना। रावण के पास धन बल ज्ञान सब कुछ था, मगर उसकी मृत्यु की वजह अहंकार बनी। जीवन में अहंकार इंसान का सर्वस्व नष्ट कर देता है, इसलिए जरूरी है कि इंसान को हर एक कार्य धैर्य के साथ करना चाहिए और हर परिस्थिति में खुद को सहमित रखते हुए क्रोध ईर्ष्या एवं अहंकार से दूर रहना चाहिए। दूसरा, सादगी क्षमता योग्यता का प्रमाण पत्र नहीं होता। रावण श्री राम और लक्ष्मण को तपस्वी भेष में देखकर उनकी क्षमता और योग्यता को आंकने लगे थे। वो अहंकार में इतना डूब गए कि वह ईश्वर का रूप भी नहीं पहचान सके। यही कारण है कि बाद में उसकी ये अज्ञानता उसे ले डूबी और उसके वध का कारण बनी। परिजनों की सलाह व सुझाव को प्राथमिकता ना देना। रावण को सभी ने समझाया कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता मोल ना ले, सीता को सकुशल लौटा दे, लेकिन रावण ने उन्हें नजरअंदाज करते हुए अपना और अपने कुल का सर्वनाश कर दिया। जिद प्रजा या परिवार से कभी बड़ी नहीं होती। रावण की जिद के कारण लंका दहन हुई। युद्ध में सैकड़ों सैनिकों और योद्धा मारे गए। एक राजा का सर्वप्रथम दायित्व ये होता है कि वो सब कुछ भुलाकर सर्वप्रथम अपने देश एवं राज्य के बारे में सोचे, न कि स्वार्थ में आकर स्वयं और राज्य का विध्वंस न बने। पांचवा और आखिरी, छोटे से प्रेम करें, निष्कासित नहीं। इसमें कोई दो राह नहीं है कि सदैव अपनों से छोटे से प्रेम करना चाहिए, उनकी गलतियों को भी माफ कर देना चाहिए। आवेश में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे अपने से छोटे को समस्याओं का सामना करना पड़े। यदि रावण अपने छोटे भाई विभीषण की सलाह को प्राथमिकता देता तो शायद रावण बुराइयों का पात्र नहीं बनता। आशा करते हैं कि ये पांच राय आपके जीवन में काफी उपयोगी रहेंगी।